मिशन कंपाउंड में फलदार वृक्षों की कटाई, शिकायत की एक सप्ताह बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। सभी कंपनियों की साइकिल व बैटरी बाइक एवं कार उपलब्ध है। सभी प्रकार के एक्वेरियम, रंगीन मछलियां, डॉग केट एवं लवबर्ड्स फूड मिलने का एकमात्र स्थान केनरा बैंक के सामने वाली गली में लकी फिश एक्वेरियम एवं बाई साइकिल स्टूडियो बीना। बीना थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव गांधी वार्ड स्थित मिशन कंपाउंड में परसों पुराने फलदार वृक्ष आम और अमरूद सहित कई वृक्षों की बलि दे दी गई, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने एसडीएम से लेकर नगरपालिका और पुलिस प्रशासन से की है, लेकिन शिकायत के एक सप्ताह बाद भी बिना अनुमति वृक्ष काटने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि यहां पर बड़ी संख्या में कई वर्षों से आम, अमरूद जैसे फलदार वृक्षों के साथ साथ कई तरह के वृक्ष लगे हुए थे, जिनको निजी फायदे के लिए अज्ञात लोगों ने काट दिया और शिकायत के बावजूद भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि पर्यावरण को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक पेड़ माँ के नाम लगाने की लोगों से अपील कर रहे हैं और पौधारोपण करने जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, उसके बाद भी पर्यावरण के दुश्मन वृक्ष काटने से बाज नहीं आ रहे। वही मामले में एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि उन्हें फलदार वृक्षों की कटाई की शिकायत मिली है, जिसको लेकर उद्यानिकी विभाग से जांच के लिए कहा है। जांच के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। मिशन कंपाउंड में काफी सालों से रह रहे हैं, बहुत पुराने हैं, यहीं पर हमारा जन्म हुआ है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसी बंगले में मेरा जन्म हुआ, ठीक है, उसके बाद मेरी शादी हो गई। लेकिन अभी जो बात आई है वो ये है कि जो पेड़ हमारे समय में लगाए गए, हमारे माँ बाप ने जो पेड़ लगाए यहाँ पर जो रहते थे, उन्होंने जो पेड़ों को लगाया था बड़ी मुश्किल से, वो पेड़ जब बड़े हुए तो उसको काट दिया गया। मेरा अनुरोध ये है कि ऐसी कोई भी व्यवस्था, जब अपन कोई पेड़ काटते हैं तो क्या आपको परमिशन नहीं लेना चाहिए ऊपर? आपने बिना परमिशन के इन पेड़ों को काट दिया, जबकि इस जगह पर वो पेड़ पूरी हरियाली दे रहे थे, है ना। यहाँ पर आम के पेड़ थे, अब ये जामुन का पेड़ आप देखिएगा, यहाँ पर जामुन का पेड़ भी है, बहुत से आम के पेड़ काट दिए गए और भी बहुत से अमरूद के पेड़, आम के पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे जिनको काट दिया गया है ना। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इनको भी अगर कोई कदम उठाते हैं तो इससे पहले इनको परमिशन लेना थी। अभी हम माँ बाप के नाम पे, भाई बहन के नाम पे पेड़ लगा रहे हैं, मैं भी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, सब तरफ पेड़ लगवा रही हूँ, तो क्या मतलब है इन पेड़ों को लगाने का? अगर ये जवानी तक आएंगे पेड़ तो इनको काट दिया जाएगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे कोई भी बात है तो इसके लिए शासन प्रशासन जो भी है वो ध्यान दे और इसके लिए जो भी कार्यवाही वो करे। मिशन कंपाउंड राजीव गांधी वार्ड है और ये प्राय क्रिश्चियनों का एरिया है, यहाँ सब क्रिश्चियन लोग रहते हैं और यहाँ पे एक पुराना बंगला है, काफ़ी डेढ़ एक साल पुराना बंगला है और यहाँ के जो वृक्ष हैं वो भी 40-50 साल पुराने हैं। मैं यहाँ 40 साल से हूँ, वो तभी से मैं उन पेड़ों को हरा भरा देख रही हूँ, परंतु अचानक वो काट दिए गए, जिससे हमें बहुत दुख है और हमने पुलिस में और एसडीएम वगैरह को और पर्यावरण विभाग को सबको सूचित किया है इस विषय में, परंतु अभी तक तो कोई हम जब आज के समय में हम देख रहे हैं कि सब जगह पेड़ लगाने पे जोर दिया जा रहा है, पर्यावरण पे जोर दिया जा रहा है और इस समय में ये पेड़ काटे जाएं, हमें बहुत दुख है क्योंकि पक्षियों का बसेरा यहीं होता था और सब चीज़ें थी और हम अति दुखित हैं इस विषय में, कुछ कार्यवाही के करने की कृपा। हम मौजूद हैं राजीव गांधी वार्ड के मिशन कंपाउंड में, जहां पर निजी फायदे के लिए बड़ी संख्या में फलदार वृक्षों को काटा गया है, जिसमें आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, जिसको लेकर शिकायतें की गई हैं। आपको बता दें कि जहां एक ओर सरकार वृक्ष लगाने के लिए जोर दे रही है और घर घर वृक्ष लगाने की लोगों से अपील कर रही है, वहीं पर्यावरण के दुश्मनों के द्वारा ये काम किया गया है, उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। बीना से राम कुमार के साथ अशफाक अंसारी की रिपोर्ट।